हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। अब हम लोग सब लोग ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच बनाने के लिए यहाँ पर तैयारी हो रही है। यहाँ थोड़ी सी सामान मैंने बाज़ार से मंगाई थी, यानी जैसे लहसुन मेरी ख़त्म हो गई थी, जीरा भी मेरे पास नहीं था, चाय पत्ती भी नहीं था, तो आज मैंने थोड़ी सी सामान जो जो चीज़ नहीं था उस सारी सामान मैंने मंगा लिया था। तो अब उसको उसकी डिब्बे में भर लूँगी। लहसुन जहाँ पर रखना है उसको भी रख लूँगी। उसके बाद सारी काम स्टार्ट करेंगे। मशीन पर भी कपड़े थोड़ी सी साफ हो रहा है। इसी तरह की ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा काम बढ़ जाती है, किचन भी गंदा हो जाती है, लेकिन अब मैं किचन को साफ कर चुकी हूँ। फटाफट सारी सामान रख लूँगी, उसके बाद कपड़े भी निकाल लेंगे। आप लोगों के घर में भी ऐसा होती है ना, ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम थोड़ी सी गड़बड़ में सब काम हो जाती है, उसके बाद हम फिर से किचन क्लीनिंग में लग जाती है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी लहसुन और अदरक भी निकाल लिया प्लेट में, क्योंकि अब मुझे भी मसाला बनानी है, मसाला बनाऊंगी। तो लहसुन को मैं स्टैंड में लगा लेती हूँ। आपके साथ भी एक दिन शेयर किया था मेरी जो स्टैंड में किस तरीके ऑर्गेनाइज करती हूँ सब्जी स्टैंड को। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी गंदा मेरी किचन हो चुका है, यानी इधर उधर पॉलीथीन पड़ा है, तो उसको भी साफ़ कर लेंगे। बर्तन थोड़ी सी नीचे भी रह चुका है, तो उसको भी ऊपर उठा लेते हैं। डिब्बे वगैरह भी थोड़ी थोड़ी नीचे है, इसी वजह से मैं अब किचन को साफ कर लूँगी। मशीन से कपड़ा भी निकाल लेते हैं, क्योंकि अब कपड़ा हमारी सारी कपड़ा सूख चुके हैं, यानी मैंने थोड़ी सी सुखा लिया था। धूप भी अच्छी आ रही है, लेकिन क्योंकि सुखाने थोड़ी सी लेट भी हो चुका है, तो फटाफट सुखाने के बाद मौसम कभी कभी बिगड़ भी जाती है। अभी धूप अभी थोड़ी सी धूप भी कम हो जाती है, उसका कोई पता भी नहीं है, इसी वजह से फटाफट सुखाने के बाद मैं छत में ऊपर लेकर कपड़ा सुखा लूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर सुखाने के बाद आ गई थी नीचे, तो देखिए सांड नीचे खेल रहा था, अब आ गई है मुझे परेशान करने के लिए, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं उसके साथ हमको भी बच्चा बनना पड़ता है। तो अब मैं इसके साथ थोड़ी सी उसको हेल्प कर रही हूँ। ये एक जो इलेक्ट्रिक पाइप होती है वायरिंग के टाइम हमारी काम है, उसको लेकर आई थी, और एक टूटा फूटा पानी का नल उसको लेकर मुझे ज्वाइंट करने के लिए बोला था। मैं रस्सी से ज्वाइंट कर लिया कर रही थी, मुझे नहीं आया, तो यानी मैंने नहीं कर पाई। तो उसके बाद एक कपड़े लेकर मैं उसको अच्छी तरह बांध लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर शान तो खुशी से मुझे बोला था मामा जल्द जल्द से कर ले, तो इसीलिए मैं कपड़े के सहायता से उसको बांध लिया। और देखिए शान यहाँ पर क्या करा है, हर वक्त इस तरीके से उसकी बानियन को कर रहा है, तो सारी बानियन भी ढीला हो रहा है। तो मैं इसको बांध कर दे दिया, वो तो बिल्कुल खुश हो गई थी। कपड़े के बांध दिया, उसके बाद एक रस्सी के लेकर अच्छी तरह मैं उसको बांध चुकी हूँ। तो आपके लास्ट व्यू भी आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ किस तरह दिख रहा है उसकी खिलौना, यानी होममेड खिलौना मैं बनाकर रेडी कर लिया। उसकी माइक बन गया, तो अब चल रहा है नीचे खेलने के लिए, तो मैं भी लग जाऊंगी। मेरी आप लोगों को दिखा रहा था, देखिए मेरी मामा ने बना लिया, तो शान भी नीचे चला गया खेलने के लिए। यहाँ पर देवरानी मछली को फ्राई कर रहा था, मैं यहाँ पर अंडा मसाला की तैयारी कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड ने बेटे ने बोला मामा मेरे लिए थोड़ी सी एक चिली बना लो, तो मैं यहाँ पर बना रही थी। एक को मैंने बॉयल कर चुकी हूँ, फटाफट मसाला बना लूँगी, जो थोड़ी सी पेस्ट बनाने के लिए बना दूँगी। मछली भी देवरानी बना लगा, यहाँ पर मैं अंडे भी बना लूँगी। इसी तरह बातें करते हुए हम यहाँ पर मसाला भी मैं छील रही थी, क्योंकि देवरानी की एक बहन की शादी हुई थी, वो नहीं जा पाया था, इसी वजह से हम दोनों इसी के बारे में बात कर रहे थे। इसी तरह जॉइंट फैमिली होता है, सब लोग मिलकर काम कर लेते हैं, तो सारे काम आसान हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अंडे को
चार टुकड़े में कट कर चुकी हूँ बॉयल अंडे को। तो यहाँ पर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा को मैंने डाल दिया एक बड़ा सा बर्तन में। अब इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी सूखा मसाला में जाएगा, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पर हम उसको थोड़ा थोड़ा पानी देकर एक मीडियम साइज़ की बैटर बनाएंगे। ज़्यादा पतला नहीं करेंगे कि ज़्यादा थीक नहीं करेंगे। अंडे को काटने के बाद सूती की यानी धागे के सहारे से मैंने उसको काट लिया था, तो कभी टाइम होगा तो आपके साथ शेयर कर लूँगी अब बॉयल अंडा को किस तरीके से आराम से हम कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं एक मीडियम साइज़ की डो बनाकर यानी लिक्विड बैटर बनाकर रेडी कर लिया। उसके बाद जो अंडा को हम काट कर रखे थे अंडे को, उसको थोड़ी सी मैदा से कोट कर लीजिए। उसके बाद हम अच्छी तरह बैटर से डीप कर लेंगे। इसी तरह सारी अंडे को हम डीप करके निकाल लेंगे। बिल्कुल टेस्टी बना था, मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन बेटे तो खुश हो गया था। वो बोला था मेरे लिए आज टेस्टी खाना बना है, तो थोड़ी सी दाल भी उसके लिए बना ली थी क्योंकि वो मछली बिल्कुल नहीं खाती है। मैं भी इसी महीने में मछली नहीं खाती हूँ, इसी वजह से दाल बना लेने से हम आसानी हो गया था खाना बनाने में। मछली, अंडा और दाल मेरे लिए, 2 आलू को मैंने बॉयल कर लिया था। इसी तरीके से हम खाना भी रेडी कर। देखिए यहाँ पर सारी अंडा को मैं कोट कर चुकी हूँ, तो ऑयल यहाँ पर भी गर्म हो चुका है। मैं एक एक अंडे को ऑयल में फ्राई कर लूँगी, डीप फ्राई। अंडे को ध्यान से डालिए, नहीं तो जो येलो वाली पार्ट होती है वो निकल आती है। इसी वजह से हम जो कोटिंग करते हैं उसका भी ध्यान रखकर कोटिंग कीजिए। यहाँ पर देखिए सारी अंडा एक एक करके मैं फ्राई कर रही हूँ, उलट पलट करके आप लोग उसको फ्राई कर लीजिए। बिल्कुल टेस्टी बना था, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। जो कोई भी मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे लेकर चलिए। तो मैं आपके साथ ऐसे एक एक रेसिपी और क्लीनिंग की वीडियो अब शेयर करने वाली हूँ। तो अब सारी अंडे को मैंने फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया, लेकिन ज़्यादा ऑयल हम इसमें अब नहीं चाहिए। तो कटी हुई लहसुन को 1 सेकंड के भून लिया, उसके बाद कटी हुई छोटा सा प्याज, और यहाँ पर 1 हरी मिर्च को काट कर डाल दिया था। उसके बाद क्यूब से कटी हुई प्याज और टमाटर, कैप्सिकम को डालकर हम उसको भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हम क्रंचीपन चाहिए सारी चीज़ में। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, लाल मिर्च यानी कश्मीर लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया। अब उसको थोड़ी देर भून लेती हूँ। अब सारी सॉस भी डाल देंगे, टमाटर सॉस, यहाँ पर चिली सॉस और 1 चम्मच सोया सॉस डालकर सारी चीज़ को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट भुनने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, यानी 1/2 कप पानी मैंने डाल दिया। पानी डालकर थोड़ी देर भून लिया। अब यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालकर एक घोल बना लेंगे, और उसको भी इसी से डाल देंगे। और डालने के बाद अच्छी तरह हम उसको मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी भी बन चुकी है। बॉयल आने के बाद सारी फ्राई किए हुए अंडे को यहाँ पर डालकर हम मिक्स कर लेंगे। इसी तरीके से हमारी 1 चिली बनकर रेडी हो गया। तो आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, बिल्कुल सिंपल रेसिपी। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग ज़रूर बनाएंगे, तो मुझे कमेंट करके उसके बाद ही बताना। तो देखिए अब हमारी 1 चिली बनकर रेडी हो चुका है। तो आज की लंच में तो यही था, दाल, 1 चिली, मछली और थोड़ी सी आलू की चोखा मैंने बना कर खा लिए थे हम लोग। तो अब उसके बाद सब लोग हम लंच किए। देखिए मेरी 1 चिली की लुक आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा था। उसके बाद शाम के लिए यहाँ पर बच्चे के लिए मैगी बन रहा था और देवरानी मैगी बना रहा था, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी मुँह छिलके वाली मुँह फुल के भून रही थी। उसके बाद डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बनी थी, जो मछली था उसको सब लोग खा लिए थे। हम माँ और बेटे रोटी बनाकर खा लिए थे। उसके बाद रात को देखिए थोड़ी सी उड़द दाल को यहाँ पर भिगा रहे। आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का वीडियो का मैं यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एक वीडियो में। बाय।